भृंजोश, आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिवसीय अंबुबच्ची मेला सम्पन्न। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान बिहार में राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रस्ताव मंजूर। श्री श्री रविशंकर कोलंबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगाती तथा मिनिकॉय द्वीपों को आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया। हसनपुर हरियाणा में देश के पहले आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। सेबी ने तकनीकी स्टार्टअप के लिए आईपीओ नियम आसान किए। स्टेफीग्राफ केरल की आयुर्वेद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। बेनी जोसेफ माविलिल वीके कृष्ण मेनन पुरस्कार के लिए चयनित। 3 भारतीय सहित 60 व्यक्ति वर्ष 2015 के द क्वींस यंग लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित। लखनऊ चिड़ियाघर का नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान रखा गया। रॉजर फेडरर ने 8वीं बार एटीपी गैरी बेबर ओपन हाले टूर्नामेंट जीता। भारत रूसी औद्योगिक व्यापार मेला इन्नोप्रोम 2016 का भागीदार देश बना। रतलाम झाबुआ क्षेत्र से भाजपा सांसद दिलीप सिंह भूरिया का निधन। ईपीएफओ ने सभी नियोक्ताओं के लिए यूएएन अनिवार्य किया। नेपाल के पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न। करंट अफेयर्स विस्तार से। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिवसीय अंबुबच्ची मेला संपन्न। मेला के संपन्न होने के साथ ही कामाख्या देवी मंदिर के द्वार भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अंबुबच्ची मेले को अंबुबच्ची महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भव्य अंबुबच्ची मेले का आयोजन किया जाता है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान बिहार में राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रस्ताव मंजूर। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के छपरा सारण जिले में लाला का टोला सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इस स्मारक में एक संग्रहालय और एक संस्थान लोकनायक खादी गौरव संवर्धन केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया था। श्री श्री रविशंकर कोलंबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। कोलंबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डन डी ला डेमोक्रेसिया सिमोन बोलेवर्ड अवार्ड का आरंभ वर्ष 1980 में किया गया था। श्री श्री रविशंकर को यह सम्मान संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य चलाने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए काम करने हेतु दिया गया। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग की वर्ष 1981 में स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को दैनिक परेशानियों, सामाजिक दिक्कतों तथा हिंसा से निजात दिलाना है। वर्ष 1997 में उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज यानी IAHV की स्थापना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगाती तथा मिनिकॉय द्वीपों को आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया। दोनों द्वीप यात्रियों के आवागमन के लिए ट्रांजिट पॉइंट होंगे, जहां से गुजरने वाले यात्रियों को 30 जून 2015 से वैध दस्तावेज दिखाने होंगे। अगाती 3.84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जबकि मिनिकॉय का क्षेत्र 4.8 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय सबसे व्यस्ततम शिपिंग रूट के नजदीक है, जबकि यह मालदीव से 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यातायात की देखरेख के लिए देश भर में 82 आव्रजन चेकपोस्ट कार्यरत हैं। हसनपुर हरियाणा में देश के पहले आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश के पहले आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंद घर का उद्घाटन किया।
यह आंगनवाड़ी केंद्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर शुरू की जा रही केंद्र सरकार की नंद घर योजना आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र के तहत बनाया गया। इस केंद्र का निर्माण वेदांता समूह द्वारा मात्र 12 लाख रुपए में किया गया है। इसके लिए भूमि ग्राम पंचायत द्वारा मुहैया कराई गई। सेबी ने तकनीकी स्टार्टअप के लिए आईपीओ नियम आसान किए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी ने स्टार्टअप कंपनियों को बाजार से पूंजी जुटाने हेतु उनके लिए कई आईपीओ नियमों को आसान बनाने की घोषणा की है। इसमें आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफिसर लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही 3000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी भी दी गई है। सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग की समय सीमा 13 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। स्टेफी ग्राफ केरल की आयुर्वेद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। स्टेफी ग्राफ को केरल पर्यटन विभाग की विजिट केरला योजना को प्रोत्साहन करने के लिए नियुक्त किया गया। जर्मनी की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने अपने करियर में 22 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यह रिकॉर्ड 1968 से आरंभ हुए ओपन टेनिस खेलों में अब तक किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सर्वाधिक खिताब का रिकॉर्ड है। वर्ष 1998 में वे चारों ग्रैंड स्लैम तथा उसी वर्ष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी बनी। पेनी जोसेफ मावेलिल वीके कृष्ण मेनन पुरस्कार के लिए चयनित। उन्हें यह पुरस्कार उत्कृष्ट परोपकारी उपलब्धियों और समुदाय एवं बहुसांस्कृतिक समाज के प्रति उनकी सेवा तथा योगदान के लिए दिया गया। ब्रिटेन के कनन्या कैथोलिक समुदाय के अध्यक्ष बेनी जोसेफ मावेलिल को संस्थान की ओर से वर्ष 2015 के अंत में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। मावेलिल मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। तीन भारतीय सहित 60 व्यक्ति वर्ष 2015 के द क्वींस यंग लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित। उन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इसमें भारत के अश्विनी अगादी, देविका मलिक और अक्षय जाधव शामिल हैं। जाधव को यह पुरस्कार महाराष्ट्र में विदर्भ के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में शैक्षिक एवं कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के उनके प्रयास के लिए दिया गया। देविका मलिक को उनके व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार में कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। लखनऊ चिड़ियाघर का नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किया गया। वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे। लखनऊ प्राणी उद्यान की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के लखनऊ आगमन के अवसर पर इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया था। इसका नाम 4 जून 2001 को परिवर्तित कर लखनऊ प्राणी उद्यान किया गया। राज्य सरकार ने नवाबगंज पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव रखने का भी निर्णय लिया। रॉजर फेडरर ने 8वीं बार एटीपी गैरी बेबर ओपन हाले टूर्नामेंट जीता। फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने इटली के एंड्रिया सेपी को पराजित किया। इसके साथ ही सेपी वर्ष 1993 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से हाले में फाइनल खेलने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। पुरुष युगल फाइनल में अमेरिका दक्षिण अफ्रीका की रावेन राजीव की जोड़ी ने बोपन्ना फ्लोरिन की जोड़ी को हराकर टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। भारत रूसी औद्योगिक व्यापार मेला इन्नोप्रेम 2016 का भागीदार देश बना। यह मेला जुलाई 2016 में रूस के हेल्दात येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया जाना है। भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार के नवीकरण मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देश वर्ष 2025 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय निवेश का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सहमत हुए। इस पर वर्ष 2014 के वार्षिक शिखर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
रतलाम झाबुआ क्षेत्र से भाजपा सांसद दिलीप सिंह भूरिया का निधन। वह सबसे पहले 1972 में कांग्रेस टिकट पर पेटलावद सीट से विधायक चुने गए थे। लोकसभा के लिए वह पहली बार वर्ष 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। वह झाबुआ से 1996 तक लगातार 5 बार सांसद चुने जाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ईपीएफओ ने सभी नियोक्ताओं के लिए यूएएन अनिवार्य किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून 1952 के दायरे में आने वाली सभी नियोक्ताओं के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या अनिवार्य किया। यूएएन सुविधा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2014 को की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 4 मार्च 1952 से प्रभाव में आया। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। नेपाल के पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। इसका उद्देश्य नेपाल सरकार द्वारा नेपाल की सहायता हेतु फंड जुटाना था। इस सम्मेलन में 35 देशों ने भाग लिया, जिसमें चीन, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, श्रीलंका तथा यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक तथा एशिया विकास बैंक शामिल थे। भारत ने नेपाल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि सहायता के रूप में देने की घोषणा की। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।